सौम्या एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. आज है मेहंदी. आई नो यू आर थिंकिंग कि मैंने फॉर्मल्स क्यों पहने. फॉर्मल्स इसलिए पहने बिकॉज मुझे आज जाना है कॉलेज. मैं रेडी हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए. मेन सबसे पहले मेरा सबमिशन है एंड एक टेस्ट भी है जो मुझे अटेंड ही करना है. उसका कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है मुझे. तो फिर मैं थोड़ा बहुत रेडी अच्छे से हो चुकी हूँ कि आने के बाद अगर मैं ड्रेस चेंज करके सिर्फ ज्वेलरी पहनूँ तो आई एम रेडी मेहंदी अटेंड करने के लिए. एंड दिस इज द डेकोर जो बहुत प्रिटी लग रहा है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये येल्लो नहीं होना चाहिए था. दीदी ने इधर पिंक बोला था शायद, पता आई एम नॉट श्योर, बट वो अभी यहाँ पे है नहीं. एंड उसका ड्रेस भी मुझे अच्छे से पता नहीं क्योंकि उसने ना एक्चुअली मेहंदी के लिए दो तीन ड्रेस लिए है. ऑप्शन रखे अभी उसमें से कौन सा पहनने वाली है मुझे नहीं पता. बट मेरा जो ड्रेस है ना वो पिंक एंड येल्लो है उसमें, तो मेरे साथ तो ये मैच हो ही रहा है. उसका पता नहीं मुझे. इट्स 11:30 एंड 11:30 को मैं अभी निकलने वाली थी कॉलेज, लेकिन मेरा फ्रेंड अभी आया नहीं है तो मैं वेट करूंगी आधा घंटा. एंड जो सून टू बी एंगेज्ड गर्ल है एंड ऑल्सो बॉय, वो बाहर घूम रहे हैं. मतलब घूम नहीं रहे, उन्होंने अभी काम किया पहले. उसको ब्रांड शूट था तो ब्रांड शूट के लिए चली गई सुबह जल्दी उठ के सेवन ओ क्लॉक. मतलब मेहंदी के दिन मुझे लगा मुझे ही सिर्फ काम है, उसे भी काम है. एंड हाँ, कल कीकी भाविका आशिमा सब आए गए घर पे. अभी पूरा हाउस फुल हो गया है हमारा. कुछ रिलेटिव्स भी आ जाने वाले हैं तो घर पूरा भरने वाला है. फुल शादी वाला ऐसे वाइब आ रहा है. एंगेजमेंट के टाइम शादी वाला वाइब आ रहा है. एंड एक चीज का मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब ये लोग पुणे आते हैं ना तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि मैं कहीं और मतलब कॉलेज में और ये कहीं और. लास्ट टाइम भी मेरे बर्थडे के टाइम मेरा एग्जाम था. 5-6 o'clock तक मैं एग्जाम दे रही थी. शाम को मैं फ्री हो गई एंड ये सब कैफे में घूम रहे थे. मतलब एंजॉय तो करना चाहिए पुणे आए. बट फिर मेरा मन ऐसे रहता है कॉलेज में, ये लोग क्या कर रहे, कहाँ गए, क्या खा रहे. 6.5 hours later यहाँ पे मेरा दोस्त मिला है और बहुत ही ज्यादा खिचड़ी हो रही है यहाँ पे. बट आप मिल लो मेरे दोस्त से, इसने मुझे आज हेल्प किया. मैं बता नहीं सकती क्या, लेकिन हाँ हेल्प किया है. ये मेरा स्कूल फ्रेंड है. हाय श्रेयस, थैंक यू सो मच. क्या रिक्रिएट करना है तुम्हारा ना? बोलना क्या है? अभी भी पूछता है क्या बोलना है. पूछता है लेकिन ऑफ कैमरा कि क्या करना है तुझे. तो फिर हमारा सबमिट करके हो गया एंड अभी मेहंदी चालू हो गया. सोचो मुझे कैसे फील होता रहेगा कि मैं कब जाऊंगी घर, कब सबसे मिलूंगी. सब लोग आ गए, गेस्ट फ्रेंड्स सब लोग आ गए. कल कॉलेज आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? ट्राई करते हैं नहीं आने के लिए. नहीं आना पड़ेगा ना, लेकिन एंगेजमेंट के दूसरे दिन तो आना है. अरे बट मेरी बहन की एंगेजमेंट है, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ. अबे साले, सो व्हाट. रुक अभी मीम बनाऊंगी मैं, रुक जाओ. ये है मेरी तरह, मेरी तरह ये अलग है और ये मेरी तरह. हम प्रजाति सेम है हम दोनों. हमारा सब कुछ सेम रहता है. बुक कब परचेस करेंगे, कब असाइनमेंट सबमिट करेंगे, सब सेम रहता है. अगर मैं कुछ नहीं करता ना, तुम लोग कुछ नहीं करते पता है. हाँ तो वही तो ब्रीड. लेकिन एग्जाम तो लिखते हैं यार हम, पास हो जाते हैं. उसमें भी मैं ही तेरे को बताता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है. बट पास तो मैं होती हूँ ना. हम दोनों कब से बस रेडी हो रहे. बट मैंने मेकअप चेंज नहीं किया कॉलेज का ही मेकअप था. एंड यहाँ पे है हमारी आशिमा हु इज वेयरिंग पिंक. हु इज वेयरिंग पिंकी पिंकी फ्रॉम पता नहीं आजकल सारे गर्ल्स को पिंक पसंद है. मतलब मोस्टली 80% यार हमारी जो सून टू बी एंगेज गर्ल है ना इतना कंफ्यूज रहती है. आपने देखा होगा ये पहले था इन येलो कलर, उसने ना वो निकाल दिया, मार्केट चली गई एंड खुद ये लाया, चेंज कर दिया उसने. एंड अभी उसको पता नहीं ये चेयर से भी प्रॉब्लम हो रही है, ये चेयर निकालना है बाहर. मम्मी मम्मी को फर्स्ट टाइम इतना मेहंदी में देखा है. मतलब मेरी मम्मी कभी इतनी मेहंदी आज तक नहीं लगाई है ना, इतनी बड़ी आज तक नहीं. बट अभी तो बनता है बिकॉज ब्राइड टू बी की मम्मी हो ना. आई डोंट नो जो मैं बोल रही हूँ वो सुनने में आ रहा है या नहीं, बिकॉज मेरी फैमिली मेरी ही तरह एनर्जेटिक है एंड सबका सारे रिलेटिव्स का पिच थोड़ा सा हाई रहता है. तो आई कांट कंट्रोल दैट, बट आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. शादी का घर है ऐसे ही रहेगा. मैं बोलूंगी एंड पीछे से चाओ 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 चालू ही रहेगा. मेहंदी डन
एंड मैं कुछ रीज़न की वजह से छोटा सा निकाल रही हूँ, लेकिन मेरा मन तो सच में कर रहा है भर के निकालने के लिए, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई हैड टू सर्च फॉर द मिनिमल. अभी मिनिमल हुआ ना, लास्ट टाइम तो हंस रही थी मेरे ऊपर कि ये मिनिमल नहीं है, अभी तो पक्का वाला मिनिमल है ये. ऊपर नहीं निकालूंगी, बस बीच बीच में, बट बुरा लग रहा है. क्या डिजाइन है? छोटू सा ही डिजाइन है मेरे फोन में. फुल दुल्हन की बहन लग रही है पूरा देखो. सब दुल्हन की बहन है यहाँ पे. तो ज्यादा स्पेशल लग रही है, सीरियसली सब स्पेशल है. खुद को देख जरा पिंकी. किसी ने विवा को गिफ्ट दिया बिकॉज उसने डांस किया इसलिए. एंड ये जो पीछे है ना, ये सब नाराज है कि हम लोग भी तो डांस कर रहे थे. और तू इन्हें पीछे वालों को क्या देने वाली है? पार्ले जी, एक एक पार्ले जी के वेज पैटीज खाए ना लोग ने, वही गिफ्ट वेज पैटीज खाया ना. वाह, मोटा गिफ्ट दिला तुला. आता थी ओनली डांस, कल भी डांस. उधर पण थैंक यू बोल दीदीला. खोलू थे? यार, ऐसे को मुझे बचपन में किसी ने नहीं दिया, मैं तो बहुत डांस करती थी. मैं अभी देखती हूँ, पर अब क्या काम है? अब क्या काम का अभी दूंगी तो? यार मुझे पसंद है. सच में यार, मतलब दिल तो बच्चा ही है. किचन सेट दिया है विवा को, लेकिन एक्साइटेड है हम लोग देखने के लिए कि अंदर क्या है, कैसे खुलता है. मतलब ये ना, कैसे ये और मैं भी. आवडलं तुला खेळणार तू आता? काय बनवशील? टोस्टर वोस्टर. काय बनवशील? मॅगी. बोल दे. Thank you.